जय श्री कृष्णा, जय माता जी की, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा। हम जय माता जी के दरबार। हाँ, जय श्री कृष्णा। अरे तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। सावकम, जय श्री कृष्णा, जय दरबार की, जय माता जी की, जय बायण मात की। बोलो बायण मात की जय, गौ मात की जय, जय बायण मातेश्वरी की, जय जुजार जी महाराज की, जय श्री ओम बना, जय दरबार की, जय तेजाजी महाराज की। सावकम, क्या हाल है सभी के? हाँ प्रभु, कैसे हैं सभी आप? हाँ, फुर्सत में क्या खेल है? प्रेम का अक्षर डई, ज्यादा भी नहीं है डई, प्रेम का अक्षर डई, ज्यादा भी नहीं है। हाँ, क्या बोला? बोला तो ऐसा बोला कि दिल तो है, दिल की लगी हो ना हो, क्या हुक्म? दिल तो है, दिल की लगी हो ना हो, जिंदगी तो है, जिंदा दिली हो ना हो, जो करना है कर ले आज, क्या पता कल जिंदगी हो ना हो, क्या पता कल जिंदगी हो ना हो। कोई भरोसा नहीं है, कल का क्या, पल का भी भरोसा नहीं है। हुक्म, जितना जीना है उतना जी लो। क्या है बॉस? कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हाँ, मस्त रहो जिंदगी में, मस्त रहो मस्ती में। कैसा बोला? श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। तो हम तो धूर्त प्राणी, मूर्ख इंसान है, हम गलतियों का पुतला है। हम एक इंसान है, सिर्फ इंसान। मेरे इष्ट देव में श्री जी बाबा नाथ द्वारा में विराजते हैं श्री कृष्ण, गोवर्धन नाथ वो मेरे इष्ट देव है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, और मेरा सांवरिया ही मेरा सब कुछ है, मेरा श्री कृष्ण ही मेरा सब कुछ है। आह, क्या बात है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे 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 राधे।
लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास। शंभु, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। शंभु, अलग खोल दे पलक दिखा दे झलक। सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा सभी से यही निवेदन है कि गौ माता के ऊपर बहुत संकट की घड़ी है। 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में विराजते हैं। हमारी तो क्या औकात है, हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। श्री कृष्ण नंगे पांव उन्होंने गौ माता की सेवा जीवन पर्यंत तक करी थी। तो मेरा सभी युवा साथियों से खास करके निवेदन, गौ माता की सेवा करें, रक्षा करें। और प्लस अभी गौ माता पे विशेष आप देख रहे हैं कि संकट की घड़ी है। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान की सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि गौ माता की तरफ आप ध्यान दें, गौ माता के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे गौ माता बड़ी संकट में है। हम हमारी माँ का दूध तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल 2 साल पीते हैं, लेकिन जब तक जीते हैं तब तक गौ माता का दूध हम पीते हैं। तो गौ माता की तरफ सब ध्यान दें, मेरा विशेष निवेदन है सभी से। गाय के लिए चाहे प्राण भी निछावर करने पड़े तो सबसे आगे हूं मैं, आपके साथ हूं। बस 2 लाइन कहना चाहूंगा मैं, इसी बात में समझ जाना कि गौ माता प्राणी नहीं, इस देश का प्राण है। गौ माता प्राणी नहीं, इस देश का प्राण है। गौ माता जानवर नहीं, इस देश की जान है। साहब, इस देश की जान है। कर ले बंदे गौ सेवा, छोड़ सकल सब काम। कर ले बंदे गौ सेवा, छोड़ सकल सब काम। गौ सेवा से खुश होते मेरे मुरली वाले श्याम। हाँ साहब, ज्यादा नहीं, कोई एक एक इंसान भी एक एक गाय को अगर गोद ले ले तो हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। साहब, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। हमारे बागेश्वर धाम वाले जो महाराष्ट्री है उन्होंने ये नारा दिया था, बहुत अच्छा नारा दिया। गौशाला नहीं उपाय, एक गौ माता, एक हिंदू एक गाय। वेरी नाइस, बहुत अच्छा नारा दिया उन्होंने। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दें, क्योंकि क्या है ना कि संसार सागर है ये। जय माता जी की, जय माता जी की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। हेलो सभी को, जय श्री राम। मैं हूं हनुमान और ये देश मेरा राम है। मैं हूं हनुमान और ये देश मेरा राम है। चीर कर देख लो छाती मेरी, दिल में हिंदुस्तान है।
राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ना साहब स्टूडियो में जो भी नहीं, स्टूडियो में साहब होगा। ये देखिए सुबह से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा काम का लोड है, थक गए। अच्छा अच्छा बोलते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता हुकम, किसी मैटर पे बोलने से कुछ नहीं होता, गौ माता पे बोलने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है ना। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, हमको खुद को करना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहना। खुद करो, खुद कुछ करो, उठो, खड़े हो, जागो, जागो, जागो आप सभी। राम राम, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत फुल सपोर्ट है और मेरा भी सपोर्ट सबके साथ है। जय श्री कृष्णा छोटा भाई आपका मैं। जय श्री राम। हाँ क्या बात है। राम राम सा। सभी को फुल सपोर्ट है, जो होगा अपन से हम करेंगे। और हमें भी फुल सपोर्ट रखिए और साथ देते रहिए, बराबर आपका प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। और क्या है कि देखिए सबका अपना एक हुनर है, सबका अपना एक टैलेंट है, तो जिसके पास टैलेंट है, जो मेहनत करता है, वो आगे जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बस साथ चाहिए ऑडियंस का, साथ चाहिए उसके शुभ चिंतकों का, साथ चाहिए उसके, कहते हैं ना कि सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। सपोर्ट, सब सपोर्ट करिए। ठीक है यार साहब, बस एक ही चीज है मेरे पास तो, कि वो कहाँ गए बलवान, तीन बार धरती तोलनिया, जाके पड़ती धाक नहीं रे कोई सामे बोलनिया। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। साबुकम जो इन्होंने कमेंट किया कि नींद आ रही है क्या, साबुकम नींद ऐसा आ रही है, मैं बताता हूँ आपको, नींद तो नहीं आ रही है मुझे,
विशेष समय निकाल के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे आज 5 दिन हो गए शूटिंग करते करते, कभी जोधपुर कभी जालोर शूट कर रहा हूँ मैं लगातार, धूप भयंकर धूप गर्मी में, उसके बाद रिकॉर्डिंग सब कुछ। तो क्या है कि अभी समय मिला है तो आराम से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत एक कलाकार जो है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को खुश करने के लिए, कि आप लोगों कुछ किसी कलाकार की कोई चीज़ पसंद आए वो उसके लिए बहुत मेहनत करता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप सभी को, एक कलाकार कोई गाना अगर बनाता है, उसको शूट करता है, फिर उसको रिलीज़ करता है, उसमें उसकी बहुत मेहनत होती है। तो उस मेहनत को आप सभी सपोर्ट करिए, सपोर्ट करें आप सभी। मैं खुद कहता हूँ, आज मैंने जालौर में शूट किया, बहुत भयंकर गर्मी थी, इतनी भयंकर गर्मी थी कि उस गर्मी में मैं टिक भी नहीं पाया, मेरा जो सर है वो भयंकर दर्द करने लग गया। कोई एक गाना शूट करने के भाई, बस ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, कि इसमें गाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बस चाहे धूप हो चाहे बारिश हो चाहे तूफान आए चाहे सर्दी हो, एक कलाकार बहुत कड़ी मेहनत करता है। मैं मेरी नहीं कहता, इस दुनिया का हर कलाकार बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। तो आप हर कलाकार को सपोर्ट करें, बहुत प्रेम दे, आशीर्वाद दे, अपना प्यार दे, बहुत सपोर्ट करें सबको। एक कलाकार बहुत मेहनत करता है आप लोगों को खुश करने के लिए, कलाकार बहुत मेहनत करता है। क्या है कि आप लोग तो सिर्फ 5 मिनट का एक सॉन्ग देख लेते हो, लेकिन उस 5 मिनट के सॉन्ग को शूट करने के लिए कम से कम 1 महीने की मेहनत होती है। उस गाने को बनाया जाता है, बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लिखने में बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद उस गाने को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है गर्मी में बिल्कुल पैक होके, उसके बाद उस गाने की शूटिंग रखी जाती है, शूटिंग करते हैं बिल्कुल, कभी भी धूप होती है, बारिश होती है, सर्दी होती है, कुछ भी होती है, उसमें शूटिंग करते हैं, अच्छे से अच्छा गाना शूट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को पसंद आए। उसके बाद वो गाना रिलीज़ होता है, वो गाना रिलीज़ होने के बाद किसी को पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता भाई, किसी को आता है किसी को नहीं आता पसंद, इसमें क्या हो गया। लेकिन मेरी तो एक ही चीज़ है, मैं एक ही बात कहता हूँ आप सभी से, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी का छोटा भाई हूँ मैं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कलाकार बहुत मेहनत करता है, एक गाना बनाने में उसकी कड़ी मेहनत होती है, कम से कम 3-4-5-6 महीनों की मेहनत होती है एक गाना बनाने में यूट्यूब पे। तो आप सभी मेरा निवेदन, सपोर्ट करें फुल सभी कलाकारों को, और बिल्कुल आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, बस खुश रहिए, हंसते हंसाते रहिए, मिलते मिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए सब। मैं, मेरे जो प्रभु हैं श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ श्री कृष्ण, मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ, श्री श्याम बाबा और महाकाल भोलेनाथ, मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि जितने भी जने मुझे कमेंट कर रहे हैं, जितने भी जने मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो जो ना भी जुड़े हुए हैं, और जो इस संसार सागर में सब, मेरे तो यही प्रार्थना है, सर्वजन हो सुखी, दुखिया रहे ना कोई, यही अभिलाषा हम सबकी जल्दी पूर्ण होए, विश्व में शांति हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की रक्षा हो, इसी कामना के साथ मैं प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आप सभी के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप सभी सदैव खुश रहें, आनंद में रहें, और आप सभी को भगवान बहुत खुश रखें, और आपको ऐसा आशीर्वाद दे कि आपकी सभी की जो भी मनोकामना हो सभी पूर्ण हो, आपके सबके सपने साकार हो, आप सब खुश रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें, मस्ती में रहें, बस मेरी यही दुआ है मेरे प्रभु से। राधे राधे बोलना पड़ेगा इस बात पे, कमेंट में बस राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय गौ माता, हर हर महादेव, ये लिखें आप, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, ये लिखें आप, खुशी होती है दिल को। क्या बात है, राधे राधे,
हमारे वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, और श्याम बाबा के बहुत ही अच्छे भजन गाते हैं। क्या है कि श्री कृष्ण से विशेष प्रेम है मुझे, विशेष, बहुत ही विशेष प्रेम है श्री कृष्ण से। मेरे इष्टदेव है श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ श्री जी बाबा नाथद्वारा वाले, और मेरे गुरुदेव है श्री रडियानाथ मांगूनाथ जी महाराज, रेल मंगरा बैठुंबी वाले, और उनका ही मैं शिष्य हूँ। एक बार सभी रडियानाथ भगवान की जय। और मेरे इष्टदेव हैं श्री कृष्ण नाथद्वारा श्री जी बाबा, और मेरे परम, मेरे बहुत ही प्रिय भोलेनाथ मेरे बाबा। क्या बात है, मैंने दो गाने भी रिलीज किए थे एमएस फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है एमएस फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक मैंने किया था सावन के अंदर, सावन मेरे सावन में बांग गोटावे भोले सावन में, ये वाला आप देखिएगा। कुंवर महेंद्र सिंह सर्च करें यूट्यूब पर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आप, और बहुत ही जल्दी नए नए गाने रिलीज करूंगा मैं, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने रिलीज करूंगा। आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाएंगे और मस्त रहेंगे मस्ती में, और हम बहुत आनंद करेंगे हम सभी मिलकर। हाँ, और एक गाना मैंने रिलीज किया था भोलेनाथ का, ओ भोले बाबा तुझ संग लागी है लगन, तू है मेरा रखवाला ओ शंभु भोला भाला। हो भोले बाबा तुझ संग लागी है लगन, हाँ ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। क्या बात है, ओम त्र्यंबकम् भजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाम मृत्योर्मोक्षमामृता। इस मंत्र का अगर जाप अगर सुबह उठते ही आप करोगे तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, सब कम। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, हंसते रहो मुस्कुराते रहो भाई। आनंद करो, आनंद करो। मस्त रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, आनंद करो। जय भोलेनाथ। चलिए मिलते हैं, अभी हम कुछ गानों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। ये देखिए स्टूडियो में, अभी ये देखिए स्टूडियो में कुछ गानों की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा अच्छा बना लेते हैं, है ना। सभी का एंटरटेन होता होता रहे और प्लस सभी को आनंद आता रहे। क्या कि जीवन में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जी तो सभी रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, और संगीत की दुनिया में तो सभी को जीना चाहिए। और सभी आनंद करो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते रहो, मिलाते रहो। भगवान से ये दुआ करता हूँ, जो जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो जो भी मुझसे जुड़े, जो ना भी जुड़े हैं, उन सबको भगवान हमेशा सदैव खुश रखे। मेरे श्री कृष्ण भोलेनाथ उन पर सदैव आशीर्वाद रखे, और आप सदैव हंसते मुस्कुराते रहो, आपके जीवन में कोई दुख ना हो, मस्त रहो, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो मेरी सेना, आनंद करो, मस्त रहो, आनंद करो। राम श्री राम, जय जय श्री राम, जय गौ माता, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप जरूर 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 जरूर
गाने देखिए यूट्यूब पर और मस्त रहिए, आनंद करें यार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।